पुरानी रंजिश के चलते युवक को मारी गोली। इंसानियत एक बार फिर हुई शर्मसार। मामला गोवर्धन थाने के अंतर्गत कस्बे का है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर नामजद युवक को जान से मारने की नीयत से गोली मारी गई। गोली हाथ में लग गई, जिसके कारण युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वह वहां पर सभी लोगों को सहायता के लिए पुकारता रहा, मगर किसी ने अपने दरवाजे तक नहीं खोले। गोली की आवाज़ सुन युवक की पत्नी बाहर आई। उसने अपने पति की गंभीर हालत को देखते हुए वह उसे गोवर्धन ले गई। थाना गोवर्धन पहुंचकर उसे प्राथमिक उपचार के लिए गोवर्धन सामुदायिक केंद्र भेजा गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने के कारण मथुरा रेफर कर दिया गया। हम आपको बताते चलें कि पूरा मामला, कपिल नामक युवक वृंदावन किशोरपुरा स्थित कुमार गली का रहने वाला है। पीड़ित का वहां पोशाक निर्माण का कार्य है, जिस पर कार्य करने वाले एक व्यक्ति को उन्हीं के पड़ोसियों के द्वारा पीटा गया था, जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने युवक के खिलाफ शिकायत मथुरा गेट चौकी वृंदावन में दर्ज करा दी। आरोपी इतने पर भी शांत नहीं हुए। युवक हाल में 10वीं मोहल्ला में एक मकान किराए पर लेकर रह रहा है। आरोपियों द्वारा रात्रि में उस पर मारने की नीयत से गोली चला दी गई, जिसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित की पत्नी के द्वारा थाना गोवर्धन में लिखित शिकायत दर्ज करा दी गई है। क्या नाम है? जी सर, मेरा कपिल शर्मा नाम है। ये किसने नाम है? किसने हमला किया था आपके ऊपर? जी सर, मैं अपने पड़ोसी है मेरे सतवीर, बंटू और सोनू जी। सतवीर और बंटू के पिताजी का नाम है भगवान सिंह जी, और सोनू के पिताजी का नाम है द्वारका। किस बात को लेकर ये गोली मारी? कुछ दिन पहले मेरे कारीगर को पीटा था, और उससे पहले मेरे ऊपर एक फर्जी मुकदमा लगवा दिया था, और फिर मेरे को मेरी वाइफ को उल्टा सीधा बोला गया। पहले मैंने कहा, काफी टाइम पहले वो तहरीर दी थी, उनका कोई लड़का था जो वो बाद सालिग्राम के सामने बह के आए थे अपना जी। तो उसके चक्कर में मैंने पुलिस को बोला था, आज 3-4 साल हो गए उन बातों को, तो आज ये कहा कि हमें अब पुलिस उनकी सुनती है वहां पे, पहले अब घर में जुआ खिलाते हैं वो अपने में। तो इसी कंप्लेंट को लेके आपको गोली मारी गई है? कंप्लेंट को लेके गोली नहीं, अभी ये विवाद हो गया था इसमें, जो कह रहे थे कि तू साला ज्यादा साथ दे रहा है उनका।